कानपुर हैलट अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने का निर्देश दिया है। वहीं दिवंगत परिवार जनों से मुख्यमंत्री ने मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। श्री योगी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि घायलों से हमने मिलकर हालचाल जाना है, सभी खतरे से बाहर हैं। कल 26 जाने घटना में गई हैं। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। जनप्रतिनिधि शोक संतप्त परिवार के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी दुखद घटना सुबह 3 बजे भी हुई है। विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के डंपर पर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया था, जिसमें मौत हुई है। इस घटना में भी 5 मौतें हुई हैं। 9 घायल हुए हैं, उनका भी इलाज यहीं हो रहा है। अस्पताल की टीमें पूरी तत्परता से इलाज में लगी हैं। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके साथ संवेदना जताने के लिए ही मैं और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हैं। कल की दुखद घटना के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी अनुग्रह राशि और मुख्यमंत्री कोष से भी अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। अंतिम संस्कार के बाद यह राशि पीड़ितों को प्रदान की जाएगी। मैंने आज भी और कल भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक का इस्तेमाल सामान ढुलाई और कृषि के लिए बने हैं। सवारी के लिए इसे नहीं करना होगा। इसके लिए हमको जागरूक होना होगा और जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम भी आगे बढ़ाएंगे। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए मैंने गृह विभाग, परिवहन विभाग, सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। घटना बहुत दुखद होती है। केंद्र व राज्य सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है, लेकिन जागरूकता भी हमको अपनाना पड़ेगा। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, महापौर प्रमिला पांडे मौजूद रहे। जो 26 जाने कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहां पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहां पर आए हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की है और अपनी संवेदना उन सभी के प्रति भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से को खोया है। घटनाएं दुखद हैं। प्रदेश सरकार ने
बार बार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है।